सो दिस इज यू आर मी लाइव ऑन YouTube चैनल बच्चों आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आगे ले जाने वाले हैं विद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ठीक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली चार तरीके के होते हैं और ये बैकबोन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मतलब मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं आते ना उसको आगे जाके ऑर्गेनिक नहीं ही क्लियर होती मतलब कुछ बच्चों को ऐसे कहते सुने तुमने यार ऑर्गेनिक तो फर्जी होती है यार ऑर्गेनिक तो समझ में ही नहीं आती यार ऑर्गेनिक तो रटनी पड़ती है ये वही बच्चे हैं जिनको ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं आते होते तो आपको एक्स्ट्रा फोकस देकर के इन इफेक्ट्स को समझना है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूं कि तुमको ना केवल कंसेप्ट समझ में आ जाए

एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑल टूगेदर ठीक है तो टोटल तो तो तीन क्लासेस में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अंडरस्टैंडिंग uh, है और जो लेवल है वो बूम होने वाला है ठीक है मतलब मजा आने वाला है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी है इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज पढ़ेंगे एसिडिटी एंड बेसिटी के ऑर्डर्स पढ़ेंगे अब जब आप ये समझ जाएंगे ना एक तो इंडक्टिव और एक रेजोनेंस उसके बाद आपसे बहुत सारे जेई मेन्स और एडवांस के क्वेश्चन लगने लग जाएंगे

All right. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो कि कॉमन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं उसमें से एक एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जरा जोर की खींचता है और दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा होता है इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर ही इफेक्ट एक्सप्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अब होता क्या जो हम पढ़ने वाले हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन सा ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का किस किस तरीके का मूवमेंट होता है चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड में हो चाहे वो आपके कौन से वाले सिग्मा बॉन्ड में हो या पाई बॉन्ड में हो तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में किस किस तरीके का मूवमेंट संभव है

क्या आप ये जानते हैं थम्स अप जारी रखिए चैट बॉक्स के अंदर क्या आप ये जानते हैं कि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अगर हाँ तो क्या वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी और ज्यादा नहीं खींचेगा बताओ जरा खींचेगा ना तो जैसे ही वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कंप्लीट नेगेटिव कब आता है जब गेन ही कर लिया भैया हड़प लिया इलेक्ट्रॉन पेयर हड़प लिया तो कंप्लीट नेगेटिव आता है या हड़पा नहीं है ज्यादा अधिकार जमा के बैठे हुए हैं तो क्लोरीन बींग मोर इलेक्ट्रोनिव इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ डिस्प्लेस करता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है कार्बन से वही इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा दूर खिसक जाता है तो उस उसपे पार्शियल पॉजिटिव जाता है अब ये कार्बन क्या करेगा बेचारा क्योंकि क्लोरीन तो इससे ज्यादा पावरफुल है ये अपनी किस पे गुस्सा निकालेगा इस कार्बन पे हर इंसान कमजोर पे ही तो अपना गुस्सा निकालता है ताकतवर पे थोड़ा निकालता है तो कार्बन क्या करेगा इससे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा क्योंकि कंपैरेटिवली ये कार्बन न्यूट्रल है और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन और न्यूट्रल कार्बन में से इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े से किस तरफ डिस्प्लेस होंगे कार्बन की तरफ अब इसको प्रक्रेब हो जाएगी पैनिक हो जाएगी कि यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है यार मेरे से खिसक गया ठीक है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर को तो अगर तुम देखो तो टग ऑफ वॉर में नहीं होता टग ऑफ वॉर की गेम में जब आप रस्सी खींच रहे होते हो तो जो सबसे आगे वाला बंदा होता है उसने बड़ी कमान संभाली हुई होती है और पिछले वाले जो होते हैं जैसे अगर झुकी हुई टीम है तो झुकी हुई वाले में जो सबसे पहले खड़ा है ना वो सबसे ज्यादा झुका होता है फिर धीरे धीरे लोग सीधे होते चले जाते हैं ठीक है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा यहाँ हुआ उससे कम यहां हुआ उससे कम यहां हुआ, यहां तक है, है? तो कि एलिमेंट के लगे वजह से पूरे की पूरी कार्बन पूरी नहीं दो तीन कार्बन आइटम तक डिस्प्लेस हो रही थी ठीक है डिस्प्लेस हो रही थी और इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हल्की हल्की सरक गई और डिस्टेंस के साथ कम होने लगी कितना इजी इफेक्ट है ये इसको हम क्या बोलते हैं इंडक्ट इफेक्ट परमानेंट क्यों बोला परमानेंट इसलिए क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल की बिटू कैरेक्टरिस्टिक है ये इस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है जब तक इसमें क्लोरीन रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट इस मॉलिक्यूल में जिंदा रहेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ डीलोकलाइज रहेंगे या डिस्प्लेस्ड रहेंगे बेटर वर्ड ये है ठीक है इसलिए हमने इसको क्या बोला हमने इसको क्या बोला परमानेंट इफेक्ट तो क्या तुमको ये वो नहीं लग रहा कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसने

वो स्टीरियो केमिस्ट्री में करवाऊंगी ठीक है तो पोलैरिटी से रिलेटेड ये फिनोमिना लग रहा है अब आगे हम बढ़ते हैं माइनस एफ अब इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके का होता है हमने ये तो समझा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये परमानेंट इफेक्ट है हो क्या रहा है इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है तो दूसरा जो कार्बन दे रहा है उसको वो अपने बगल वाले कार्बन से खींच रहा है फिर वो अपने बगल वाले कार्बन से खींच रहा है तो बेसिकली थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है लिए हो रही है, मतलब रही है है मतलब खिसक ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अब इसमें दो तरीके होते हैं दो टाइप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आर देयर वन इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वन इज नेगेटिव अब क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इसको देखो दो तरीके के ग्रुप से। एक वो जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीन ले देखो मैंने बिल्कुल है। जैसे जैसे ग्रुप, ग्रुप होते हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करते हैं ठीक है तो ये विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए और एक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे दे डोनर स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करे क्या तुम इसमें देख सकते हो कि छीनने वाला कौन है और देने वाला कौन है क्लोरीन बिटू इलेक्ट्रॉन छीन रहा है और एल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन दे रही है क्लोरीन के inputs इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है इलेक्ट्रॉन छीनने के हैं और एल्काइल के इनपुट्स क्या है इलेक्ट्रॉन देने के हैं तो जो छीनने वाला है वो क्या कहलाता है माइनस आई इफेक्ट ठीक है वो क्या इंडक्टिव इफेक्ट में क्या रोल प्ले करता है

और माइनस है क्या होता है इलेक्ट्रॉन लेना चलो फटाफट -फड़ से बताओ मुझे वॉट इज इंडक्टिव इफेक्ट मैं बिल्कुल ठीक रितिका जल्दी जल्दी यहां तक क्लियर हो गया फिर मैं आगे बढ़ूंगी यस इलेक्ट्रॉन हाँ बताओ फटाफट -फड़. मैं जो जो क्वेश्चन पूछती जा रही हूं ना उसको उसका जवाब मुझे देते जाओ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है क्विकली आंसर करो स्पीड तेज करके देख लो नेट्रियम परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो दीपांशी गुप्ता ने लिख दिया है ठीक है हंसिका मैंने आज तक तुम्हारा नाम ही नहीं देखा अजीब बात है अब लिखो मैं देखूंगी इलेक्ट्रॉन छीन लेना नहीं 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 छीन लेना नहीं गौरव रावत लैंग्वेज को ठीक करेंगे मुकुल बिल्कुल सही परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इट इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन छीन लेना बिटू इट इज इलेक्ट्रॉन का खिसक जाना सिग, वो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मैं पूछूंगी कौन से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकते हैं सिग्मा खींच सकते हैं क्यों खींच सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से खींच सकते हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है कितने तरीके का होता है दो तरीके का कौन कौन से प्लस है माइनस है माइनस है क्या होता है इलेक्ट्रॉन छीनना प्लस है क्या होता है इलेक्ट्रॉन देना एज सिंपल एज देट अब आंसर करोगे समझ में आ गया लैंग्वेज बिल्कुल वापस से सुन लो सारी लैंग्वेज क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट छीनना या देना वो अलग बात है

बिल्कुल स्वधा बिल्कुल सही और प्लस आई क्या होता है वॉट इज प्लस आई प्लस आई क्या चीज है प्लस आई क्या चीज अभी देखना तुम आज के एक घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा नॉलेज कहां पहुंचता है वो देख के तुम सरप्राइज होने वाले हो ठीक है प्लस आई प्लस आई क्या होता है हाँ परसों वाला सेशन नहीं देखा ना आ रहा है कोई बात नहीं वो अलग था ये अलग है देख सकते हो गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे गुप्ता और फरीहा वेरी गुड इलेक्ट्रॉन देना हंसिका वेरी गुड बिटू और माइनस आई क्या होता है इलेक्ट्रॉन लेना चलो अब ये माइनस आई इफेक्ट देते हैं उनकी लिस्ट बना रखी हो रखा है और जो प्लस आई होते हैं उनकी भी लिस्ट बना रखी है कि कौन से ग्रुप्स प्लस आई होते हैं पूछूंगी अभी तो आप बोलना अल्काइल ग्रुप्स से ग्रुप्स प्लस आए होते हैं अल्काइल ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स बेचारे हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर्स ही होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा इनका प्लस इफेक्ट होगा तो ये इनके ऑर्डर्स दे रखे हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको करने हैं आज का कंटेंट का फ्लो ये रहेगा जब आप इंडक्टिव को अच्छे से समझ लोगे तो आपने कुछ करना है जैसे uh, कुछ इंटरमीडिएट्स uh, की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन क्यों जिसमें आपको बहुत मजे आने वाले हैं ट्रस्ट ठीक है मी। उसके अलावा अपने एसिड और बेस के ऑर्डर आज ही प्रिडिक्ट करने हैं आज की क्लास में कौन ज्यादा एसिडी क्या इनमें से ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लगाओ ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी लगाओ तो ये सारा एप्लीकेशन तब समझ में आएगा अगर इंडक्टिव क्लिक हो गया तो ठीक है तो इंडक्टिव हमें क्लिक हो रहा है अब हम फटाफट पड़ से पॉइंट डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट पोलैरिटी की वजह से होता है इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी बेटू खिसक रही है ठीक है उसको हम पोलैरिटी भी बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग का यही फिनोमिना क्या कहलाता है यही फिनोमिना पोलैरिटी भी कहलाता है ठीक है दूसरा इट इज इफेक्टिव ओनली अपू थ्री फोर कार्बन तीन चार कार्बन तक इफेक्टिव रहते हैं पूछूंगी कि बेटा कब तक चलता ये बोलना तीन चार कार्बन तक तीन चार कार्बन के बाद खत्म क्योंकि यार पहले वाला ना ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाला थोड़ा कम खींचता है तीसरे वाला और कम खींचता है चौथे वाला और कम खींचता है वो नहीं होता किसी से कोई चुगली करते हैं ना तो बात बदलती ही नहीं जाती है या किसी की तारीफ करते हैं तो बात बदलती ही नहीं जाती है मतलब एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे करके फिर डिमिनिश हो जाती है तो वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट जो तीन चार कार्बन तक चलता है फिर खत्म अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घटता है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आप दूर होते चले जाओगे कार्बन चेन में इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाएगा ये पॉइंट भी क्लियर है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ मेजर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम इसको हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है इसलिए हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना जाता है ठीक है तो मैं चैट बॉक्स से पूछूंगी हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या माना जाता है आपने बोलना है जीरो तो अब तक हमने क्या सीखा इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा चार्ज डेंसिटी ठीक है कैसा इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट है क्यों आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लगे होने की वजह से आता है पुलारिटी की वजह से आता है ठीक है कितने तरीके का होता है दो तरीके का कौन कौन प्लस आई माइनस है प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देना माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन लेना ठीक है उसके अलावा कौन प्लस आई वाले ग्रुप्स होते हैं एलकाइल ग्रुप्स और कौन माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ठीक है फिर उसके बाद कहां तक चलता है क्या बिल्कुल ही एंडलेस चलता है इन्फिनिटी नहीं 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 तीन चार कार्बन तक चलता है फिर खल्लास हो जाता है ठीक है और डिस्टेंस के साथ इसका इफेक्ट हमने देख ही लिया आगे आते इट्स अ तो परमानेंट इफेक्ट तुम्हें पता है परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा रहेगा तब तक इंडक्टिव इफेक्ट उसमें जिंदा रहेगा अगर तुमको इंडक्टिव इफेक्ट खत्म करना है तो मॉलिक्यूल को खत्म करना पड़ेगा समझे वो नारे लगाते जब तक सूरज चांद रहेगा पता नहीं आगे तो तुम कंप्लीट करते रहना ऐसा तो नारेबाजी होती है ना तो जब तक वो मॉलिक्यूल की अस्तित्व रहेगा तब तक इंडक्टिव इफेक्ट जिंदा रहेगा उस मॉलिक्यूल के अंदर ठीक है तो परमानेंट इफेक्ट होता है आगे पढ़ते सम एटम्स और ग्रुप्स हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू कोवलेंट बॉन्ड दे देर पार्शल मैंने समझा दिया तुमको बेटा ये माइनस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है ये मैंने तुम्हें समझा दिया ये प्लस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया ठीक है माइनस इफेक्ट का ये ऑर्डर है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने में ताकतवर है कौन कम ताकतवर है ठीक है और उसके बाद आइए बता दिया कि होती है, वो देती है, ओके? बढ़ते हैं आगे दसवा पॉइंट क्या कह रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन कार्बन एटम और नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन कार्बन चेंज ग्रुप प्लस आई ऑल ग्रुप बेटा प्लस आई वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं एल्काइल ग्रुप्स ठीक है आगे हम बढ़ते हैं इन अल्काइल ग्रुप मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस है, इस ये इंपॉर्टेंट है साइज जितना लंबा अल्काइल चेन होगा उतना ही प्लस आई ज्यादा होगा प्लीज कीप इट माइंड प्लीज कीप इन माइंड कि जितना ज्यादा लंबा एलकाइल चेन होगा उतना ही प्लस आई भी जो होगा वो ज्यादा होगा देखो मिथाइल से ज्यादा का इथायल से प्रुपायल का प्रुपायल से ब्यूटायल का ब्यूटायल से का से 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 ज्यादा 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 प्रोपाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल पेंटाइल ठीक है एंड उसके अलावा आइसोमरिकल ग्रुप्स में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी तो प्लस आई ज्यादा होगा आइसोमरिक मतलब जैसे कार्बन एटम चार हैं ठीक है तो लेकिन अगर वो स्ट्रेट चेन है परसों पढ़ा था ना आइसोमर भी काम ही आता है हर जगह तो परसों हमने पढ़ा था ना चार कार्बन एटम का फिर इसी में हमने ब्रांचिंग कर दी फिर इसमें टर्ट ब्यूटाइल कर दिया n-ब्यूटाइल ये आपका हो, जाएगा, ये हो जाएगा, तो है है। इस से का सबसे ज्यादा होगा कार्बन आइटम बढ़ेंगे तो प्लस आई बढ़ेगा ब्रांचिंग बढ़ेगी आइसोमर्स में तो भी प्लस आई बढ़ेगा दोनों बातें ध्यान रखना दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखना क्लियर तो मैं फटाफट -फड़ से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा

तो भी प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा ब्रांचिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइसोमरिक के केस में ब्रांचिंग ज्यादा होने पे प्लस आई ज्यादा होता है आ जाए एप्लीकेशन पे हमने समझ लिया पंडा अब एप्लीकेशन समझनी है और फिर क्वेश्चंस लगाने ठीक है बच्चों वेरी गुड वेरी गुड बेटू फरीहा शाबाश ठीक है चले आगे चले बेटा ओके okay, चल डन अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन क्या है इफेक्ट effect की इंडक्टिव इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की मेन मेन एप्लीकेशन है तुम इंटरमीडिएट्स यानी जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी डिस्कस करने वाले हो अब ठीक है लेकिन चार्जेस की स्टेबिलिटी के लिए एक थंब रूल ध्यान रखना चार्जेस जितने रुके हुए होंगे ना उतने ही अनस्टेबल होते हैं और जितने डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उतने ही स्टेबल होते हैं मैं तुम्हें एक एक्जाम्पल दूँ क्या खुशियां बांटने से बढ़ती हैं आज मैं खुश हूं सपोज मेरा आई क्रैक हो गया सपोज मेरी नौकरी लग गई सपोज मेरी लॉटरी लग गई तो ये खुशी क्या मैं खुद तक ही रखना चाहती हूँ नहीं मैं इसको अपने फ्रेंड सर्कल में बांटना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे इस हैप्पीनेस में बहुत स्पेशल फील कराएंगे जब तुम्हारा जय क्रैक होगा यू वुड लव टू शेयर दिस गुड न्यूज़ विद योर फैमिली मेंबर्स विद योर फ्रेंड्स की यार मेरा जय क्रैक हो गया हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस बात की पार्टी थ्रो करें कि हमारे बच्चे का जय क्रैक हो गया तो पार्टी ले लो क्यों क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और यही सोचो कि कोई खुशी आई और हम उसको छुपा के बैठे हैं शेयर नहीं कर रहे प्राइवेट बना के बैठे हुए हैं तो वो कभी नहीं बढ़ेगी ठीक है तो चार्जेस भी कुछ खुशियों जैसे ही होते हैं बांटने से बढ़ते हैं अब आती है गम दुख की बात या कोई बुरी बात या कोई हमको प्रॉब्लम कर रही है वो बात वो बात के लिए भी यही बोला जाता है कि अगर आप किसी बात से परेशान हो तो अपने खास दोस्तों बता ना सबको बता जाते हैं फिर ना लोग तो मजे ले जाते हैं फिर है ना तो अपने तो खास दोस्तों में अपने दुख शेयर अगर आप करते हो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ या अपने दीदी भैया के साथ प्रॉबेबली दे विल फाइंड आउट अ तो सोल्यूशन आपके फ्रेंड्स जो है वो दे कैन फाइंड आउट अ तो सोल्यूशन तो दुख अगर बांटोगे तो भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और खुशियां अगर बांटोगे तो भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी तो चार्जेस भी क्या होते हैं बांटने से ही क्या होते हैं स्टेबल हो जाते हैं तो चार्ज में अगर रुका हुआ चार्ज है तो अनस्टेबल है डिस्ट्रीब्यूटेड जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा ये है अपने ऑर्गेनिक का प्लीज ध्यान रखना चार जितना बट रहा है उतना स्टेबल है जितना कंसंट्रेटेड है जितना इकट्ठा हो रहा है ढेर बन रहा है चार्ज का वो उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा तो सबसे पहले मैं कार्बो को डिस्कस कर रही हूं मैं तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स डिस्कस करने वाली हूं ठीक है और वो तुमको बहुत ध्यान से सुनने हैं क्योंकि मैं तुमसे जो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी वो सीखने के बाद तुम उन फंडों को मैं टेस्ट दूंगी आज के क्लास के बाद में उसमें तुम अप्लाई करोगे ठीक है तो सबसे पहला फंडा है कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है कार्बो की स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन क्या होता है केटाइन का मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज कार्बो का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो ऐसी स्पीशीज जिनमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ठीक है हम देखना चाह रहे हैं कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रिडिक कर रहे हैं कि यार टर्चरी वाला स्टेबल है कि वाला स्टेबल है, कि स्टेबल है, कि वाला है 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 मैं खाली स्लाइड लगा के पढ़ाती हूं मुझे ज्यादा मज़े आते हैं उसमें ये देखो सबसे पहले मैंने मिथाइल कार्बोकेटाइन बनाया लाइक दिस ठीक है फिर मैंने इथाइल कार्बोकेटाइन बनाया लाइक दिस ओके फिर मैंने आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनाया लाइक like दिस ठीक है और फिर मैंने टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेट बनाया था जगह पे तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज को तुम ये कह सकते हो कि कार्बन को भूख लगी कार्बन को कुछ चाहिए खाने को प्लस का चार्ज का मतलब होता है कमी वट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी इलेक्ट्रॉन्स की कमी अब इलेक्ट्रॉ सपोज करो इस कार्बन की नौकरी चली गई है इसके पास कुछ कमी आ रही है फाइनेंस की पैसे की कमी है कुछ भी प्रॉब्लम है इसकी नौकरी चली गई है ठीक है इसने इस एलकाइल ग्रुप को बताया कि मेरी नौकरी चली गई है यार तो कुछ मदद कर सकता है क्या तो अलकाइल ग्रुप तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते ही पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देना तो क्या वो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसको स्टेबल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे करके क्या ये अल्काइल ग्रुप उसको स्टेबल कर रहा है हाँ बिल्कुल कर रहा है इधर देखो इसकी नौकरी चली गई है इसके दो दोस्त मदद करने को तैयार है खुशी बढ़ेगी हैप्पीनेस बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी नौकरी चली गई है इसको तीन दोस्त मदद करने को तैयार है तो आपके जितने अपने लोग होंगे जो मुसीबत यानी पॉजिटिव चार्ज मुसीबत मतलब किसी चीज की लाइफ में क्या हो गई है कमी हो गई है तो कमी के टाइम पे जितने ज्यादा मददगार होते हैं लोग उतना ही अपने को स्टेबिलिटी मिलती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है फोर्थ उससे कम स्टेबल है थर्ड उससे कम स्टेबल है सेकेंड और सबसे कम स्टेबल है फर्स्ट इज इट क्लियर की मैम ने कैसे फंडा लगाया जब जब तुम कार्बोकेटाइन देखो तो ये ट्राई करना की भाई कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दिए किसमें ज्यादा जा रहे हैं जिस भी स्पीशीज में कार्बोकेटाइन को बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को इनहांस करेगा यहाँ एक बूखा कार्बन है आप जितनी उसकी मदद करोगे वो उतना सेटल एंड स्टेबल रहेगा ठीक है इसके बनस्पत, मतलब इसके विपरीत इसके उल्टा अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करोगे तो ये बहुत परेशान हो जाएगा सोचो कि किसी की नौकरी चली गई हो और कोई हफ्ता वसूली करने उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया हो तो बेचारा कितना परेशान हो जाएगा इज इट तो वो उसकी स्टेबिलिटी को डिमिनिश करेगा तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते प्लीज नोट इट डाउन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है ये चार्टॉक्स में लिख लो प्लस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फटाफट से कोई क्ली लिखना क्लियर बेटा प्लस आई इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है अगर जिस जिस बच्चे को एकदम क्लियर हो रहा है वो मुझे क्या भेज सकता है हम सब भेज सकता है ठीक है हम सब भेजे मैं क्या कैमरा देख के पढ़ाती हूँ यार तो मेरे को अपना होने का एहसास दिलाओगी मैम हम हैं है ना वी आर गेटिंग बट यू आर टीचिंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं देखो ये फंडा समझ में आ गया ना तुमको सबसे ज्यादा थ्री डिग्री कार्बोकोटाइन स्टेबल फिर टू डिग्री वन डिग्री तुम पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह जग ये चीज आएगी कि, कि कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछने वाली हो थ्री डिग्री मतलब तरशरी कार्बो कटाइन तर्शरी, कार्बोकाटान। तर्शरी कार्बोकाटान, सेकेंडरी सेकंडी कार्बोकटायन प्राइमरी कार्बोकटायन ठीक है तुम तो पूछने वाली हो कि भैया किसका स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो तुरंत लिख देना टू ऐसे बोलना थ्री टू ऐसे टाइप करके रख लो कट कॉपी पेस्ट स्टेबिलिटी वन ऑर्डर थ्री टू एंड वन ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा चार्ज डेंसिटी के डिस्प्लेसमेंट की, की वजह से होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो कि डिस्टेंस के साथ में धीरे धीरे कम होकर के खत्म हो जाता है दो तरीके का होता है प्लस आई एंड माइनस आए प्लस आए मतलब इलेक्ट्रॉन देना माइनस आए मतलब इलेक्ट्रॉन छीनना ठीक है प्लस आई इफेक्ट एलकाइल चेन की लेंथ के साथ भी बढ़ता है और आइसोमेरिक के एलकाइल चेन्स में ब्रांचिंग के साथ भी बढ़ता है अब इनकी एप्लीकेशन में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या ये कुछ स्टेबिलिटी करने मदद करता है बिल्कुल करता है कार्बोकेटाइन कार्बो की स्टेबिलिटी में प्लस का भयंकर रोल है और इसी वजह से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है थ्री

कार्बे मतलब जिस पे माइनस का चार्ज ठीक है सी एच टू माइनस और इधर सी एच थ्री ठीक है CH, चार्ज माइनस मतलब अमीरी रिचनेस सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री माइनस का चार्ज और ये क्या है सी एच थ्री माइनस का चार्ज तो बेटा जहां पॉजिटिव चार्ज गरीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है वहीं पे नेगेटिव चार्ज अमीरी को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं तुम्हें एक एग्जांपल दू तो मैं ये बोलूंगी कि यार नेगेटिव चार्ज का मतलब है पेट फुल। पेट फुल 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 डब्बा खाली अब मामला क्या है एक पेट भरे इंसान को आप एक और डिश ऑर्डर करने जा रहे हो तो क्या इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी यस और नो जिसका पेट भरा हुआ है जो अपने ही चार्ज से दुखी है ठीक है जो ये कह रहा है कि मेरे पास तो चार्ज इकट्ठा हुआ हुआ है इसको फैलाओ इसको लेके जाओ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज स्टेबल होता है वहीं पे इसको प्लस इफेक्ट के जरिए और ठुसाया जा रहा है कि और रख तो ये तो हम चार्ज को कंसंट्रेट कर रहे हैं ना कंसंट्रेट कर रहे हैं ना तो बेसिकली इससे स्टेबिलिटी कम होगी लेकिन अगर दो दो जगह से ठुसाओगे यार इसका पेट भरा हुआ था फिर मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं अभी तो तेरे को छोले चावल भी खाने हैं तो उसने कहा हाय चलो खा लेता हूँ फिर पड़ोस की आंटी आई बोली आज मैंने तेरे लिए बेटा पिज्जा बनाया और पेट एकदम फुल तो पिज्जा अच्छा तो लगता है लेकिन इतना पेट फुल था और यहाँ तक क्या कर दिया गले तक मम्मी ने छोले चावल भर दिए तो एकदम लगेगा कि अरे यार आज नहीं यार आंटी आज तो मैं बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है और पड़ोस की एक और आंटी आई और उन्होंने कहा बेटा मैंने तेरे लिए खीर भी बनाई है तो खीर भी खिलाओगे छोले चावल भी खिलाओगे पिज्जा भी खिलाओगे तो उल्टी नहीं लग जाएगी क्या क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी चार्ज ज्यादा था तो जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उसको दो मत यार वो लगा, पे उसको ओ, करो, चार्ज को लो अगर स्टेबल करना चाहते हो दो मत और पॉजिटिव चार्ज वो था जहां कमी आ रही थी उसको दो जहां जांक कमी आ रही है उसको दो जहां ज्यादा हो रहा है उससे ले लो यही तो मदद करने वाली बात है जिसके पास कम है

हाँ भाई समझ में आ रहा है <laughs> गुड़िया मिश्रा थैंक यू सो मच बेटा मैम आई मीन स्टार एलिन बट आई स्टिल योर वीडियोस मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है पर देख देखने के बाद ना मुझे आपका वो डायलॉग याद आ गया मैं पहले बहुत ही परेशान था वो ठीक <laughs> है स्पीड अपनी बहुत ही जिसे कहते हैं ना स्पीड अपनी बहुत ही ज्यादा मीडियम uh, है हम बहुत फास्ट नहीं चल रहे बहुत स्लो नहीं चल रहे ठीक है अगर ये मेरे इस तरीके से समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा ना तो आप बिल्कुल चल जा सकते हैं जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा आप टाइम वेस्ट मत करो आप ऐसा टीचर ढूंढो जिससे आपको समझ में आए आपका टाइम बहुत कीमती है बैठ के समझ आ नहीं रहा बैठे बैठे कमेंट पास कर रहे हैं एक 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 बच्ची देख रही हूँ मैं तो प्लीज वो कमेंट पास मत करो क्योंकि उससे तुम्हारा समय खराब होगा ठीक है हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी हर टीचर के साथ नहीं बैठती नहीं समझ में आ रहा जस्ट लीव द क्लास किसी ने इनवाइट तो किया नहीं हुआ यहाँ पे है ना और इससे कम स्पीड के अंदर क्या होगा मामला जेई वाला पेपर तो आसान बनाने से रहा ना फंडे तो बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं अभी है ना पता लगे कि जेई वाले को रिक्वेस्ट कर रही है भाई आप पेपर क्या बनाते हो हमें समझ में नहीं आता आप पेपर इजी बनाना शुरू कर दो ऐसे थोड़ी होता है, है कि नहीं ये भी बातें नहीं समझ में आ रही फिर क्या समझ में आएगा तो बहुत सिंपल चीज है और इससे ज्यादा क्या कैसे समझाया जाए कि माइनस जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच है है इलेक्ट्रॉन रिच वाला जो है, वो उसे ले लो सिस्टम टू तो अटेन न्यूट्रलिटी हर सिस्टम न्यूट्रल होना चाहता है तभी तो एन ए प्लस सीएल माइनस को अट्रैक्ट करता है और सीएल माइनस एन ए प्लस को क्योंकि दोनों मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे ठीक है क्या बन जाएगा एन ए सी एल न्यूट्रल हो जाएंगे तो प्लस चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और माइनस चाहता है मुझसे इलेक्ट्रॉन छिन जाए प्लस चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और माइनस चाहता है मुझसे इलेक्ट्रॉन छिन जाए तो अगर तुम माइनस का पेट जबरदस्ती भरोगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी हाउ इजी वेरी सिंपल क्लियर थम्स अप करो अगर इजी लग रहा है तो और प्लस को तो जरूरत है भाई साहब प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उस पर कंगाली छाई हुई है उसकी नौकरी गई हुई है ठीक है तो ऐसे में उसको इलेक्ट्रॉन दो उसकी मदद करो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सिंपल अग्रीड थैंक यू हंसिका बिट्टू नहीं नहीं ये मुझे लगता है स्टूडेंट्स नहीं होते ये पता नहीं कौन लोग होते हैं जो आकर के इनको ये काम दिया जाता है कि जाओ इन टीचर का मोटिवेशन डाउन करो पर इनको पता नहीं कि मोनिका मैम का मोटिवेशन एमबी मैम का कभी डाउन नहीं होता ठीक है ये है ही नहीं स्टूडेंट्स दे आर देर टू डाउन द मोटिवेशन ऑफ अ टीचर और ये पता नहीं कहां से भेजे गए हैं खिलाड़ी तो आपकी जानकारी के लिए आप मैं मेरा मोटिवेशन आपके यहाँ होने से डाउन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं चलो

ओके okay, बेटू स्वदा कैटायन को इलेक्ट्रॉन देना है रितिका वेरी गुड और एनायन से इलेक्ट्रॉन लेना है शाबाश सही वेरी गुड थैंक यू नेट्रियम बेटा नेट्रियम कह रहा है कि आपकी टीचिंग ऐसी छठी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगी केमिस्ट्री थैंक यू सो so मच बेटू

तो हम तो ये तो वैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन से परेशान है इसके सामने तो अस्सी डिशेज की प्लेट रखी हुई और उसको खानी ही नहीं है तो ये तो चाहता है कि कोई आए और लेके जाए ठीक है माइनस चार्ज को मैंने क्या फंडा दिया थमरूल क्या दिया कि उससे इलेक्ट्रॉन तुमको क्या करना है छीनना है तो फ्लोरीन बहुत बगल में बैठा है इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट उतना ही कम करेगा ठीक है तो मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट है उसके बाद सेकंड है उसके बाद थर्ड है क्यों क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर जो फ्लोरीन था वो यहाँ सबसे पास बैठा था तो डिस्टेंस मैटर्स ना यार डिस्टेंस मैटर्स यहाँ को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर दूर हो गया और इधर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर और दूर हो गया तो डिस्टेंस मैटर्स और जो दोस्त है वो दूर जाता जा रहा मोलिक्यूल तो तड़पेगा तो दोस्त दूर जा रहा है ना जो इसको स्टेबिलाईज कर रहा है वो दूर जा रहा है तो डिस्टेंस की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है तो थोड़ा स्टेबिलिटी का आइडिया लगा फिर क्वेश्चन करवाती हूँ तुमसे मैं गॉट द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी got the idea of stability? What is the stability order? Fast, fast, quickly. Carbocation फटाफट order बताओ जल्दी से हाँ बेटा मैं जरूर हाँ फ्लोरीन बहुत भूखा है सुधांशु एग्जैक्टली exactly. कार्बोकेटायन बेटू फरीहा कार्बोकेटायन yes सही थ्री टू वन कोमल कन्वर वेरी गुड थ्री टू वन इज द करेक्ट आंसर तमग्ना घोष वेरी गुड थ्री टू वन स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ जल्दी से क्विकली हाँ नेट्रियम फ्लोरीन इज़ लुटेरा नंबर वन ना बिल्कुल सही मुकुल वन टू थ्री बिल्कुल सही स्वाति वन टू थ्री तमग्ना घोष वन टू थ्री आर्यन पाटनी वन टू थ्री आर्यन समझ में आ रहा है ना बेटा वन टू थ्री वेरी नाइस फरीहा वन टू थ्री नेगेटिव वाले का सही है इक्रम वन टू थ्री ठीक है शाबाश शाबाश और फ्री रेडिकल का फिर से थ्री टू वन होता है तो अभी तक जो हमने थम रूल्स पढ़े ना मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि इंडक्टिव एक्ट आज बहुत पक्का हो जाए और फाइनली जो मैंने टेस्ट तुम्हारा बनाया उसमें तुम फुल स्कोर करोगे इंडक्टिव क्या होता है सिग्मा डेंसिटी का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव पे क्या होता है सिग्मा चार डेंसिटी का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट दूसरी बात कितने तरीके का होता है दो अगर चार डेंसिटी डिस्प्लेस हो रही है तो एक जना ले रहा है और दूसरा जना दे रहा है जो ले रहा है वो माइनस आई वाला ग्रुप है और जो दे रहा है वो प्लस आई वाला ग्रुप है

को कौन है प्लस चार्ज वाले कैसे है नेचर वाइज भूखे बुरी मतलब बुरी है उनके पास। उनकी नौकरी चली गई है तो जिसके पास नौकरी चली गई है प्लस इलेक्ट्रॉन देना तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं इसी के वर्षा कार्बे की हम बात करते हैं तो कार्बेनाइन है बहुत अमीर भाई साहब पैसा ही पैसा बहुत अमीर तो उनसे ले लो ले लो फिर थोड़ा सा है बहुत पैसा है ना बहुत इतरा रहा है थोड़ा इधर इधर ट्रांसफर कर दे तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन ले लोगे ना तो वो स्टेबलाइज होता है मतलब कार्बे की स्टेबिलिटी को माइनस आई ग्रुप वाले बढ़ाते हैं प्लस आई वाले घटाते हैं ठीक है माइनस आई वाले बढ़ाते हैं प्लस आई वाले घटाते हैं और जो भी सपोर्टिंग ग्रुप होता है अगर वो दूर जाएगा तो स्टेबिलिटी घटेगी जैसे कि इस केस में हुआ था फ्लोरीन इस केस में सपोर्टिंग ग्रुप था क्योंकि वो चार्ज को खींच करके इसको स्टेबल कर रहा था माइनस वाला अपने चार्ज से दुखी था पेट उसका बहुत बहुत भरा था 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 उसके मान लो कि वो रिच था। तो देना चाहता इलेक्ट्रॉन तो ये लेकर के स्टेबलाइज कर रहा था पर ये सपोर्टिंग सपोर्टिंग बात मतलब जो रोल प्ले करने वाला बंदा है वो तो दूर जाया जा रहा है दूर जाया जा रहा है तो स्टेबिलिटी घट रही है समझे बात को लेकिन नॉन सपोर्टिंग अगर ये होता जैसे सपोज करो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल क्रिएट करती हूँ सी एच टू प्लस ठीक है और इधर हम कर रहे हैं सी एच एफ और सी एच टू सी एच थ्री ठीक है और एक मैं तुम्हें दे रही हूं सी एच टू प्लस सी एच टू सी एच टू सी एच एफ सी एच थ्री मुझे बताओ इस इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है ए ज्यादा स्टेबल है कि बी ज्यादा स्टेबल है फटाफट बताओ देखिए सही का आंसर कौन दे रहा है ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा जल्दी से पॉजिटिव चार्ज में फ्लोरीन दूर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज में फ्लोरीन पास क्या बात है सही वेरी गुड कंक्लूजन बेटू हम्म कौन ज्यादा स्टेबल है देखिए कैसा समझ में आया सबको चार्ज देख लेना पॉजिटिव है सोच समझ के आंसर करना देखो मैक्सिमम बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं बी बी बिल्कुल बी बिल्कुल कैसा आंसर है गलत या सही फिर से देख लो सही आंसर है पता है क्यों पॉजिटिव चार्ज बेचारे की नौकरी चली गई है हफ्ता वसूली वाला तुमने उसके दरवाजे पे खड़ा कर दिया मुंह पे खड़ा कर दिया तो क्या ये स्टेबल फील करेगा क्या सोच के देखना जरा फंडा सोचो बहुत सिंपल अगर तुम कंसेप्ट को तुमने पिक कर लिया ना इट इज वेरी वेरी सिंपल इसकी नौकरी चली गई है गरीब हो गया है ये ठीक है इसके या फिर इसके एग्जाम खराब हो गया कुछ तो बुरी खबर है इसके पास ठीक है और ये इसके मजे लेने आया है सोचो इसके पास नहीं है पैसा और फ्लोरिन कहता है मैं हफ्ता बस उसे ले आया हूँ पैसा निकाल और दरवाजे खड़ा हो गया स्टेबिलिटी कम कर देगा ना छीन रहा है इलेक्ट्रॉन सपट पॉजिटिव चार्ज को छीन रहे कितना छीन हो छीनोगे ठीक है यहाँ फ्लोरीन है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तक होते होते वैसे ही कम हो जाता है तो फ्लोरीन का उतना इम्पैक्ट यहां पड़ता नहीं तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब इस केस में बी इज मोर स्टेबल देन ए क्लियर तो अप कर सकते हो क्यों स्टेबल है क्योंकि ये घातक ग्रुप दूर बैठे बात बताओ जेब में अगर रूपल्ली नहीं है और पैसे मांगने वाला गली में घुस गया तो जब गली में घुस गया तब टेंशन थोड़ी बहुत होती है जब इस घर पे आता है तो और टेंशन बढ़ती है जब और पास आता है तो और टेंशन बढ़ती है और जब माथे आके खड़े हो जाते हैं तो अपन बर्बाद हो जाते हैं स्कूल में टीचर्स नहीं होते स्कूल के टीचर्स पेपर में कुछ आता नहीं अपन को सपोज और पेपर छीनने आ गए टीचर वो अपने चौथे बच्चे का अपने अपने से दूर बैठे चौथे बच्चे का पेपर छीन रही है तो अपनी टेंशन बढ़ रही है कि घट रही है तीसरे पे अपन का आंसर अभी बाकी है धमाधम दम लिखे जा रहे हैं दूसरे पे तो हमको जो अनस्टेबल करता है वो हमारे जितने नजदीक होगा हम उतनी परेशान हो जाएंगे और माथे आगे आगे मैडम पेपर देना पेपर देना भैया दो भाई मैम एक क्वेश्चन बाकी था अपनी टेंशन बढ़ती है ग्राफ बढ़ता है टेंशन का तो फ्लोरिन इसको टेंशन ही तो दे रहा है यार इसके पास तो चार्ज है ही नहीं और फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये तो टेंशन देने वाला बंदा है जितना दूर रहे उतना बढ़िया बी इज मोर स्टेबल देने क्लियर सबको क्लियर हो गया ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब एसिड स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेते हैं ठीक है ये भी एक एप्लीकेशन है लेकिन पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा एसिड्स होते कौन है फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एसिड्स कौन होते हैं फिर उसके बाद ये फैक्टर्स तुम्हारे समझ में आएंगे एक्चुअली क्या होता है एसिड्स को हम एच प्लस डोनर्स बोलते हैं एक तो ठीक है जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स की मैं बात करूं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बहुत सिंपल फंडे से समझाऊंगी एमबी स्टाइल से ध्यान से सुनना बात को ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने पीले रंग से बनाया है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर था एक एसिड वो होता है जो कि हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक दे ये तो तुम जानते हो ना एसिड इज एच प्लस एंड डोनर आई थिंक नाइन टेंथ क्लास में अपन पढ़ लेते हैं कि एसिड क्या होता है एच प्लस आयन डोनर ठीक है आप सुनो अब मेरे तरीके से सुनो कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी को इंपैक्ट करेगा तुम सोचो कि इसने हाइड्रोजन से रिश्ता क्यों तोड़ा और वो रिश्ता भी ऐसे तोड़ा कि इसको बिना इलेक्ट्रॉन के कटा दिया कि भैया निकल ले कट ले और सुन रुक इलेक्ट्रॉन अपना भी रख के जाइयो ये किसने बोला ये इसने धमकाया ऑक्सीजन ने ठीक है इसने कहा कट ले और इलेक्ट्रॉन अपना भी रख के जाइए और निकल ले यहां से तो एक एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन को लात देता है से के निकल जा कोई ऑक्सीजन ऐसा क्यों करेगा कि खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉन भी हथियार रखा है सोचो वो ऐसे क्यों करेगा कि खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ उसका भी इलेक्ट्रॉन हत्या लिया और उसको बिना इलेक्ट्रॉन के ही कटा दिया इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उन परिस्थितियों में ही एच प्लस को भगा देगा और एक अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा कीप गिविंग मी थम्स अप और यस yes, और लाइक समथिंग चूंकि आ रहा है ठीक है तो ऐसा इलेक्ट्रॉन की कमी कौन क्रिएट करते हैं माइनस आई वाले ग्रुप्स माइनस आई वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन छीन करके इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट कर देते हैं तो अगर तुम तो एसिड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डिटैच करने वाला ग्रुप लगा दो तो ऑक्सीजन कहेगा हाइड्रोजन तू तो निकल ले क्योंकि मेरे लेकिन तो एसिड तो है सी एच थ्री सी डब्लू एच या फिर सी एफ थ्री सी ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड है कौन सा वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ईजीली कटा देगा और शॉक से कटा देगा वो अच्छा एसिड होगा कौन होगा बताओ फटाफट से वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटू करेक्ट आंसर क्या है बी करेक्ट आंसर क्या है बी पता है क्यों पता है क्यों ऑक्सीजन कहेगा भाई ये फ्लोरीन बैठे हफ तक सु काम करते हैं बाप होता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में तो फ्लोरीन इनसे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना तो ऑक्सीजन इसको कहेगा निकल ले कट ले मेरे पास कोई शेयरिंग वेयरिंग कैसे तो ये एक अच्छा एसिड बन जाएगा ना तो एक अच्छा एसिड वो है जो हाइड्रोजन को कटा दे और हाइड्रोजन को वो तब कटाता है यानी नि तब निकाल बाहर फेंक देता है 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 जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी कमी हो जाती है। और क्रिएट करता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं लिख लो अपनी नोटबुक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इनहांस करते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या बोल रहा है भैया है क्योंकि मेरे पास तो आगे से बहुत सप्लाई है उस केस में it will not easily donate H+. Is it understood? क्या ही समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाते हैं माइनस आई ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं प्लस आई ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं फिर से बोलो एक अच्छा एसिड वो है जो हाइड प्रोटोन यानी हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंके ऐसा वो तब करेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी ये शेयरिंग को मना कर देगा कि मैं इलेक्ट्रॉन पे तेरे साथ शेयर नहीं करूंगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए हम किन परिस्थितियों में शेयरिंग के लिए मना कर देते हैं हम किन परिस्थितियों में शेयरिंग के लिए मना कर देते हैं हम बेटू तब शेयरिंग के लिए मना करते हैं जब हमारे खुद के पास नहीं कुछ होता जनरली जब हमारे पास होता है तो हम शेयर करते हैं ना टीचर्स के पास क्या है नॉलेज है वो शेयर करेंगे ना ठीक है तो बेसिकली शेयर आप तब करते हो आप अपना टिफिन भर के लेके गो आपके दोस्त के पास टिफिन है आपके तो कि मेरे पास में खाना बढ़िया है तो आज आप दोनों मिलके खा लेंगे अगर खुद के भी टिफिन में कुछ भी नहीं है तो फिर कैसे शेयर करोगे तो शेयर करने के लिए होना भी तो चाहिए ना तो बेसिकली क्या है ये शेयरिंग को इसलिए मना करता है क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो फिर ये हाइड्रोजन को निकाल बाहर फेंकता है और इससे इसकी एसिडिटी बढ़ती है कंक्लूजन माइनस है लिख दो सारे बच्चे

वेरी गुड ऑल राइट चलो आगे प्रोसीड करते हैं ये तो हमें समझ में आ गया कि प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है माइनस आई ये तो ये मैंने मार्क करके रखा है माइनस आई ज्यादा होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी प्लस आई ज्यादा होगा तो एसिडिटी कम होगी ठीक है फिर से रिव्यू करूं एक बार शुड आई गिव यूर रिव्यू अगेन वॉट इज इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इज अ पर्मांट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीग्मा चार्ज इलेक्ट्रॉन क्यू

या फिर आइजोमरी कैल्का चेन्स में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी प्लस आई इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा फिर आपने स्टेबिलिटी पढ़ी तो होते गरीब होते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन दो यानी प्लस आई दोनों की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है फिर आपने पढ़े आयन आयन ये माइनस आई आए, पे नेगेटिव चार्ज होता है मतलब ये रिच है इनसे इलेक्ट्रॉन लो यानी कि माइनस आई ग्रुप जो है कार्बे की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ थ्री टू वन और आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ वन टू फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है उसके अलावा एसिड्स कौन अच्छे होते हैं जिनके पास वाले होते है या नेगेटिव होते हैं। जिनको देने वाले जिनके पास हैं, उनकी क्या हो जाएगी उनकी एसिडिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो तो ऐश कर रहे हैं जीवन में चिलने को कहेंगे आजा हाइड्रोजन टिका रहे कोई टेंशन नहीं पाल लूंगा तेरे को तो कहां से अच्छा एसिड होगा जो एच प्लस नहीं डोनेट कर पाएगा जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम ही नहीं है शेयरिंग से वो कहेगा मेरे पास तो बहुत पैसा है बहुत पैसा है ठीक है मैं कर लूंगा तेरे से शेयर इलेक्ट्रॉन तो एसिड कमजोर तब होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सप्लाई होती है एसिड ताकतवर तब होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की गरीबी होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये देखो एक और तरीका है एसिडिटी को पहचानने का बड़ा प्यारा तरीका है मैं खाली स्लाइड लगा के पढ़ाती हूँ ठीक है एक और तरीका है एसिड को पहचानने का इसमें नोटबुक्स में नोट करना जैसे मैंने आपको कहा सी एच थ्री सी डबल बोन ओ एच ठीक है दिस इज वन फिर हम इसमें एक फ्लोरीन लगा रहे हैं सी एच टू एफ सी डबल बॉन्डो एच ठीक है और फिर हम और फ्लोरीन लगा रहे हैं सी एफ थ्री सी डबल बॉन्डो एच अब बेटा मैंने आपको बोला जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होंगे वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे तो ये इजी भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से लेकिन जब ये H प्लस डोनेट करके जो स्पीशी बना रहे हैं ना CH3 एसिड्स ऑलवेज फॉर्म कार्बन आयन ये O माइनस और H प्लस ठीक है इधर भी देखो क्या रिलीज कर रहा है सी एच टू एफ सी डबल बॉन्डो और H प्लस ठीक है अब इधर देखो बेटा ये क्या रिलीज कर रहा है सी एफ थ्री सी डबल बॉन्डो माइनस और H प्लस मेरे को ये बताओ कि ये तो तुम सबको पता है ना कि जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो रिएक्शन आगे जाएगी ये तो सबको मालूम है कि जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा मैम आप इतनी बार रिपीट कर देते हो कि क्लास में ही लर्न हो जाता है हाँ मैं तुम्हें तो लर्न ही करवाने के लिए रिपीट करती रहती हूँ तो तुम ये तो जानते हो ना जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिस जब आपको सामने स्टेबिलिटी दिखाई देती है तो आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इनके भी ये प्रोडक्ट स्टेबल होंगे तो जिसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ही ज्यादा एसिडिक क्योंकि सारी रिएक्शन एसिडिटी शो कर रही है सब में हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी को मतलब इन स्पीशीज की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं इसको कंपेयर इससे कर लो इससे कर लो ये क्या है रिच है रिच रिच को मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन की छिनना चाहिए स्टेबिलिटी के फटाफट बताओ रिच को मिलना चाहिए कि छिनना चाहिए गुड आफ्टरनून ब्रजेश रिच को इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए कि छिनना चाहिए हम इसको ऐसे मान सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एसिड हाँ कह सकते हैं आर्यन रिच से इलेक्ट्रॉन छीन लेना चाहिए दे रहे हैं ये रिच है इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं ये है, रिच है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा कौन बोल रहा है फ्लोरीन छीन रहा है तो बेसिकली रिच वाले से इलेक्ट्रॉन छीनोगे

उससे स्टेव, कम स्टेबल है सेकेंड वाला और सबसे कम स्टेबल है फर्स्ट वाला क्योंकि आप नेगेटिव है और उसको दे और रहे हो जिसका पेट भरा है उसको छोले भटूरे खिला रहे हो तो फिर मुश्किल तो आएगी ना तो जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना ज्यादा एसिडिक है तो मैंने तुम्हें दो टेक्निक सिखाई है एसिडिटी प्रिडिक्ट करने की टू टेक्निक्स पहली टेक्निक क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देख के ही बता देना की भैया एसिडिटी तो तेरी ज्यादा होगी तेरी और ज्यादा होगी दिस इज द स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक एसिड ठीक है क्यों ज्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन के रहने से ऑक्सीजन जो है ना उसको यहाँ सप्लाई मारनी है इलेक्ट्रॉन की तो वो हाइड्रोजन को निकाल के बाहर करेगा एसिडिटी विल बी इंक्रीज दूसरा तरीका इनके जो ये इंटरमीडिएट्स बने ना आफ्टर एच प्लस उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो क्योंकि एसिड्स के इंटरमीडिएट्स नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर उनसे आप लोगे तो वो स्टेबल होंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका इंटरमीडिएट बना है

सबसे ज्यादा स्टेबल बेस्ट एसिड इज इट क्लियर एवरी वन ओके चलो ये क्लियर हो गया हमारा उसके बाद में ये मैंने तुम्हें समझाई दिया है इसके बाद इसका ऑर्डर लगाओ जरा ये बताओ ये थोड़े से हल्के से डिस्प्लेस भी इस कार्बन के लगा हुआ है ये इस कार्बन के लगा हुआ है ये इस कार्बन के लगा बताओ ऑर्डर लगाओ फटाफट वन टू थ्री इसके अंदर एसिडिटी के ऑर्डर्स लगाओ जल्दी लगाना देखिए कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर देता है चार्ज क्या है वो तुम सोचो मैंने तुम्हें दो तरीके बताए हैं बेटा सही अभी मैं डिस्कस करूंगी इसको भी देखो यहां पे ना श्रद्धा कह रही थ्री टू वन सुधांशु शंकर कह रहे थ्री टू वन और हंसिका आंसर दो बेटू आर्यन कह रहे है, हैं थ्री टू वन स्वाति कह रही टू थ्री श्रद्धा कह रही है अस सी कौन सही कह रहा है इसके अंदर बेटू सुनो एसिड तब एक अच्छा एसिड बनता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके लगा हुआ अब इनमें सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट है मतलब डिस्टेंस के साथ कम होता है तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपैक्ट फ्लोरीन ने नजदीक रह के मचाएगा वो सी डब्ल्यू एच जैसे जैसे फ्लोरीन सी डब्ल्यू एच से दूर जा रहा है वो इंपैक्ट मचाने में लेस पावरफुल होता चला जा रहा है डिस्टेंस से तो जाते ही ना तीन चार कार्बन आइटम के तो खल्लास ही हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट तो अगर हम कहेंगे कि फ्लोरीन अपने इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिटी को एनहांस करेगा तो भैया फ्लोरीन पास होना भी तो चाहिए दूर जाएगा तो क्या खाक इंपैक्ट कर पाएगा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होने लग जाता है तीन चार कार्बन आइटम के पास देखो ये तो तीन कार्बन आइटम के बाद लगा हुआ है ये वेट कर रहा है बेचारा कि भैया मेरे से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले तो मैं बढ़िया हाइड्रोजन डोनेट कर सकूं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ने के कारण एसिडिटी डिक्रीज हो रही है एंड ऑर्डर लिखा हुआ है वन टू एंड थ्री करेक्ट ऑर्डर इज वन टू थ्री वन विल बी सबसे अच्छा एसिड ओके okay? अच्छा इसी को तुम उस बेसिस बेसिसिटी सी एच थ्री सी एच टू सी एच एफ सी डब्लू माइनस ठीक है इधर देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच एफ सी एच टू सी डब्ल्यू माइनस ये मैं इनके एनायंस को कंपेयर कर रही हूँ स्टेबिलिटी को क्योंकि वो भी तुमको आता है सी एच एफ सी एच टू सी एच टू सी डब्ल्यू माइनस करो जरा कंपेयर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन छीनने से वो स्टेबल होता है करेक्ट नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन छीन लोगे वो स्टेबल हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला नजदीक बैठेगा तभी तो ज्यादा स्टेबल करेगा ठीक है थोड़ा दूर जाएगा तो स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट कम करेगा और दूर जाएगा तो करना भी चाहेगा तो भी नहीं स्टेबल कर पाएगा क्योंकि इतने डिस्टेंस से इंडक्टिव लगा ही नहीं पाएगा नेगेटिव चार्ज पे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही है बेसिसिटी ऑर्डर भी यही है जो जो

थोड़ा सा बता देती बेसिस का फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो में देखना ठीक है बेस कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम बेस कहते हैं माइनस डोनर्स को बेस कहते हैं ठीक है यहां मैं डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाली कॉन्सेप्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट कर सकता है किसी को वो एक अच्छा बेस है एसिड क्या चीज होती है प्रोटॉन डोनर बेस क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ठीक है अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ाने वाले ग्रुप्स कौन हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप्स? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता को बढ़ाएंगे बेसिसिटी को बढ़ाएंगे और एल्काइल ग्रुप्स देखो दो दो, -दो एल्काइल ग्रुप लगाए तो इलेक्ट सप्लाई बढ़ गई तो डोनेट करने की क्षमता और बढ़ गई तो बेसिसिटी इंक्रीजेज विद प्लस ग्रुप्स क्षमता को हम क्या बोलते हैं हम बेसिसिटी बोलते हैं तो कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसके पास होगा और देगा कौन प्लस आई वाले तो जिसके पास जितने ज्यादा प्लस होंगे उतना बढ़िया बेस हो जाएगा चलो ये क्वेश्चन करके बताओ इंक्रीजिंग। फटाफट सब टेस्ट चालू करते हैं। एक दो ये तो अपने कर ही लिया था तीन चार पांच सात, आठ आठ क्वेश्चंस का मैं तुम लोग के लिए टेस्ट लेके आई हूं अपने आप को रेट करना कि हमें कितना समझ में आया है। अगर आप चाहो तो मैं रिपीट कर दूं आपके लिए और एट क्वेश्चंस में से अपने आप को स्कोर देना यू शुड हैव स्कोर ग्रेटर देन सिक्स। छह से ऊपर स्कोर लाना है तुमको ठीक है अगली क्लास में रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज शोन बाय दिस आर आंसर बताओ आंसर बताओ जल्दी से वेरी गुड सही सही इज द फर्स्ट वन टू आंसर उसके बाद नेक्स्ट नितिन अच्छा रिपीट कर दूं एक बार इस क्वेश्चन की बात कर देती हूं बेटा भी कह रही है सी बेटा प्लस आई इफेक्ट जो होती है वो हमने क्या बोला था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एल्काइल चेन ना लेंथ ऑफ एल्काइल चेन है ना बेटू और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग आइसोमेरिक के अंदर किसके प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के ठीक है आइसोमेरिक में ब्रांचिंग की प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के ठीक है तो यहां तो लेंथ ऑफ एलकाइल चेन बढ़ रही है ना तीन की सबसे ज्यादा है अच्छा ये उल्टा लिखा है तो तीन की सबसे ज्यादा होगी फिर टू की होगी फिर वन हाँ करेक्ट आंसर मैंने ये देख करके सही बोल दिया सबसे ज्यादा तीन की फिर दो की फिर एक की फिर हाइड्रोजन की ए इज द करेक्ट करेक्ट आंसर ए इज द आंसर क्लियर यस श्रद्धा एब्सोल्यूटली क्लियर ए इज द करेक्ट आंसर नहीं नहीं सी नहीं मैंने सी ये देख के बोल दिया कि मुझे लगा मैं ये इल्यूजन में आ गया देन 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 इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई थी ना

और किसके प्रभाव में आके खिसकती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप के एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप गवर्न करता है इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्ट को को पोलैरिटी नाम का गवर्न करता है इंडक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आप कंपाउंड मेंगेटिव आइटम ग्रुप लगा दो तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और एलकाइल ग्रुप्स को देना पड़ेगा ये हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं दो तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट होता है एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देना नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन छीनना जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो प्लस इफेक्ट देते हैं और जितने भी आटम से हैं, वो छीनने का करते हैं कार्बन चेन है? है है? आई इफेक्ट में तो ब्रांचिंग से ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो भी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा और लेंथ ऑफ एल्काइल चेन ज्यादा होगी तो भी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा आई होप हैव मेड इट क्लियर इसका एप्लीकेशन क्या क्या है हम इससे स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बशर्ते हमें दो तीन नियम पता हूं एक कार्बोकेटाइन स्टेबल तब होता है जब आप उसे इलेक्ट्रॉन देते हो इसका मतलब प्लस आई उसको स्टेबलाइज करेगा इसीलिए ऑर्डर है थ्री टू वन एक कार्बेनाइन स्टेबलाइज कम हो कब होता है जब आप उससे इलेक्ट्रॉन लेते हो इसका मतलब कौन उसे स्टेबलाइज कर सकता है कार्बन को माइनस इफेक्ट जैसे फ्लोरीन बहुत अच्छा स्टेबलाइज करता है ठीक है और इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वन टू थ्री और फ्री रेडिकल का भी थ्री टू वन होता है थीके? उसके बाद हमने पढ़ा और क्या हो सकता है इसे एसिड बेस के ऑर्डर्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और डिस्टेंस सेंसिटिव होता है तीन चार कार्बन एटम के बाद खल्लास हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट आगे नहीं जाता ये डिस्टेंस के साथ खत्म हो जाता है नेक्स्ट क्लास में जो हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं ना रेजोनेंस इफेक्ट वो डिस्टेंस के साथ खत्म नहीं होगा अगर सौ कार्बन एटम लाइन में है तो सौ कार्बन एटम तक चलेगा वो आज वाला इफेक्ट है? है? तो है वो हाइड्रोजन देने की क्षमता है।, है गरीबी में तो कौन गरीब करेगा एक एसिड को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं क्लियर उसके अलावा कौन बेसिसिटी बेस क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर और एक अच्छा बेस कौन होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर पाएगा अगर प्लस इफेक्ट उनकी मदद करें उनको सप्लाई दे दे तो अच्छा से बेहतर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे बेसिसिटी को बढ़ाते हैं तो नेट्रियम मैंने सारा रिपीट कर दिया अगला क्वेश्चन मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट इनमें से कौन दे रहा है फटाफट आंसर आ रहा है डी आ रहा है, डी आ रहा है। चलो देखते हैं बिल्कुल सही नाइट्रो ग्रुप जो बच्चा एक अच्छा ऑब्जर्वर है क्योंकि आई को लेना ही नहीं है आई का टास्क क्या है है तुम्हें उनको तो रिजेक्ट करना है भाई उनको सिलेक्ट नहीं करना उनको रिजेक्ट करना है मैक्सिमम बच्चे रिजेक्ट करना चाहते हैं आई आई टी जेई का जो एग्जाम का इंटेंट होता है ना वो अलग होता है CBSC वालों, को इंटेंट होता है। CBSC वालों का हम तो बहुत लिमिटेड और बहुत क्रीम क्राउड सेलेक्ट करेंगे बाकी बच्चे फेल तो उनका इंटेंट ये उनका रिजेक्शन का इंटेंट है तो इसलिए वो पेपर भी आपका अच्छा बनाते हैं और आपके नेगेटिव मार्किंग भी ठूस देते हैं बिकॉज उनको तो बच्चा क्या करना है स्क्रूटनिंग करनी है तो बिटू ध्यान रखना बी अ गुड ऑब्जर्वर अब यह एनोटू ग्रुप जो था ये मैंने थोड़ी देर पहले क्योंकि अगर आपको rejected बच्चों की लिस्ट में नहीं खड़ा होना ना तो जो होता है वो अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है कई बच्चों ने नोटिस किया चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर थ्री इसका फटाफट से स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम टू थ्री फोर में क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर हैरी थ्री टू वन और इक्रम कह रहे हैं वन टू थ्री फोर मैथ और प्रभाकर कह रहा है ये गरीब है गरीब को तो प्लस इफेक्ट वाले स्टेबल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन देकर अल्काइल ग्रुप्स प्लस इफेक्ट के होते हैं

जल्दी से बिट्टू स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ फटाफट फड़ से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है जल्दी से वन टू थ्री फोर में सबसे मैक्सिमम मतलब फ्रॉम इंक्री डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या इंक्रीजिंग कुछ भी लगा दो पर फटाफट लगाओ देखो क्या क्या लगा रहे हैं बच्चे बताते हो नेट्रियम वन टू थ्री फोर अंकुर वन टू थ्री फोर स्नेहा चंद्रा वन टू थ्री फोर और अजीत मौर्य थ्री फोर इक्रम वन टू थ्री फोर आस्था सोनी कह रही है सी सी बेटा तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने यार और कोमल कह रही है फोर टू थ्री टू वन लेकिन कौन सा है? है। ये क्या है गरीब स्पीशी है तो गरीब स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन देने से होती है प्लस इफेक्ट से होती है ये गरीब स्पीशी है ठीक है गरीब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है और फ्लोरीन बाप है तो सबसे कम स्टेबल ये होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी वन टू थ्री एंड फोर दिस इज हाउट इज प्रोडिक्टेड ठीक है फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल है क्योंकि बेचारा गरीब है और वो फ्लोरीन माथे आके खड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम है फिर ब्रोमीन की और कम है तो स्टेबिलिटी ब्रोमीन वाले की ज्यादा अगला करो वेरी गुड बेटू हंस का आई थिंक तूने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है नहीं क्या कौन सा ऑर्डर लिखा है थक गए हंसिका कोई नहीं बेटू बस छोड़ रही हूं छोड़ रही हूं जे की इस जर्नी में बेटा थकना मना है रुकना मना है है ना इट्स नॉट एन इजी एग्जाम हाँ जी क्या लग रहा है गरीब स्पीशी गरीब गरीब के माथे कौन है फ्लोरीन है गरीब से फ्लोरीन दूर है फ्लोरीन अभी तो बहुत दूर है सबसे स्टेबल होगा थ्री फिर टू फिर वन थ्री सबसे स्टेबल क्यों है क्योंकि जो इससे हफ्ता वसूली करने आया है वो भी बहुत दूर है तुम यू मान लो मैडम पेपर लेने आई है लेकिन मैडम अभी दूर है तो फिर भी हमें स्टेबल फील हो रहा है मैडम पास आ गई अनस्टेबल और पास आ गई हाईली अनस्टेबल माथे आ गई बर्बाद ठीक है तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है थ्री की फिर टू की फिर वन की कौन कौन बच्चे थ्री टू वन बोल रहे थे अगला क्वेश्चन कार्बन एन स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ नेगेटिव चार्ज आइएगा कार्बन एन स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ प्रभाकर कह रहा है फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन और सही कह रही है फोर थ्री टू वन रोहित कह रहा है फोर थ्री टू वन है प्रमाणिक फोर थ्री टू वन दीपांची गुप्ता फोर थ्री टू वन ऋतिका वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन आस्था सोनी फोर थ्री टू वन तमग्ना घोष फोर थ्री टू वन इसका पेट भरा हुआ है पेट भरा हुआ है उसको तुम तीन तीन डिशेज और परोस रहे हो हाईली अनस्टेबल दो डिशेज परोस रहे हो थोड़ा ठीक है एक ही डिश परोस रहे हो तो थोड़ा और ठीक है पेट भरा हुआ खाना ही नहीं दे रहे हो तो कहेगा बढ़िया ओके तो फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन उल्टा चले अगर हम तो इसका पेट भरा हुआ इसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा पेट भरे को छोले भटूरे अनस्टेबल पेट भरे को छोले भटूरे और खीर और भी अनस्टेबल पेट भरे को छोले भटूरे खीर और मैगी नहीं पेट भरा होगा तो मैगी खा सकते हैं छोले भटूरे खीर और पास्ता ठीक है तो वो बर्बाद हो जाएगा उल्टियां करने लग जाएगा सबसे कम स्टेबल फर्स्ट है क्लियर चलो अब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में इसका लगाओ ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर हम्म कोई नहीं कोई नहीं रितिका बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं गलतियां सुधारने के लिए तुम्हारी मैम बैठी है आगे इंप्रूव करो बिट्टू फोर थ्री टू वन मैक्स मेहक नेट्रियम आर्यन पाटनी फरीहा श्रद्धा सई इक्रम आस्था सोनी सारे बच्चे फोर थ्री टू वन बता रहे हैं बिल्कुल सही फूर थ्री टू वन सिंपल रूल क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या ग्रुप बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिसिटी बढ़ाते हैं प्लीज इनको कंसाइज कर लेना नोट्स को इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ए फोर साइज की शीट में एक पेपर में आ जाए ऐसा कोशिश करना पूरा इंडक्टिव इफेक्ट पूरा इंडक्टिव इफेक्ट समराइज होकर के एक पेज में आ जाना चाहिए ठीक है और उससे भी कम में आ जाए तो बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ सकते हैं मिस्टर होगी ओगी कई बार ही बात पूछते हैं मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ सकते हैं इसको जरूर करना कि इंडक्टिव नेगेटिफेक्ट क्या होता है कितने तरीके का होता है प्लस इफेक्ट कैसे बढ़ता है किस चीज पर डिपेंड करता है ठीक है छोटे छोटे लिख लेना खुद के लिए और फिर ये क्या क्या ऑर्डर्स प्रेडिक्ट होते हैं तुम अपने हाथ से लिखोगे ना बिट्टू तुम बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा अरहान खान प्रभाकर प्रियांशु दिस, जिस स्टाइल से तेरा ऑर्डर आता है ना छपता है मस्त है यार ये कौन से टेक्निक से कर रहा है तू वन टू थ्री बिल्कुल सही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहाँ तीन है यहाँ दो है यहाँ एक है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स उतनी ही ज्यादा एसिडिटी समझ में आया कि नहीं आया सेट फॉर टूडे स्कोर बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना एट क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछे थे उसमें से तुम्हें बताना है कि किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं ठीक है इंडक्टिव फैक्ट की जब तुम अपने हाथ से नोट्स बनाओ छोटे छोटे बनाने ज्यादा कुछ डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है एक पेज या आधे पेज में नोट्स आ जाए थोड़े बहुत एक्जाम्पल्स कवर हो जाए

तीसरा हाइपर कॉन्जुकेशन जिस दिन हाइपर कॉन्जुकेशन के क्वेश्चन होंगे इंडक्टिव का भी रोल कंसीडर करना पड़ेगा रेजोनेंस का भी कंसीडर करना पड़ेगा हाइपर का भी कंसीडर करना करना पड़ेगा तो पहले वाले इफेक्ट को रिवाइज करके आज एक काम नोट्स बना लेना और अगली क्लास से पहले उन नोट्स को रीड करके फिर क्लास में बैठना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और यहाँ आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन रिजल्ट रहा है का और इसमें यूट्यूब के बच्चे भी शामिल है तो बेटू आपको भी शामिल होना है मैं हमेशा बोलती हूँ फोकसड रहो अपने एम के प्रति और उसके अलावा एक हार्ड वर्कर बनो स्टार्ट एमिंग नॉट ड्रीमिंग ड्रीम नहीं देखने सपने नहीं देखने हमें हमें पूरा करने की तरफ बढ़ना है ठीक है तो फोकस रहो खुद पे बिलीव करो कि मैं कर सकता हूं मैं कर सकती हूं कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है सेल्फ बिलीफ के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आपको अपनी आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा आंसर जरूर देना है आंसर में हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप जीतने का मौका है और उसके अलावा एक्सक्लूसिव एक्सेस स्पेशल रैंकर्स ग्रुप और यूरो स्पेस सेंटर की फ्री ट्रिप आप जीत सकते हैं ठीक है बाई यूजिंग कोड कुरान यू कैन रजिस्टर एंड बच्चों ये जी एल डी के सेशन से हमारे इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के और ये हमारे ऑल्टरनेट चलते हैं डाइनील Play में जरूर आपको होना है क्योंकि इसमें सारा कंटेंट बहुत प्यारे तरीके से ऑर्गेनाइज है और आपको बहुत फायदा मिलेगा लाखों हिट्स आते हैं इस पर डेली के ठीक है अन अकेडमी जेई पब्लिक चैनल पर आपको जरूर जुड़ना है क्योंकि यहां से हम आपको सारे मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन भेजते हैं प्लस क्लासेस में अमेजिंग एनवायरमेंट में पढ़ाई होती है आपके लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड हर क्लास में आपको ये बताता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और ये जानना किसी भी जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है आप थ्रू आउट देख लो कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कहते हैं जितने भी नामी टीचर्स हैं हैं वो क्या कहते बच्चों को एस्पिरेंट को टेस्ट दो टेस्ट सीरीज दो क्यों क्योंकि टेस्ट का का एक्सपोजर हो और रैंक पता लगे ताकि इंप्रूवमेंट सही समय पे हो सके तो यहां आपको हर क्लास में लीडर बोर्ड का ऑप्शन दिया जाता है मतलब आपकी रैंक आती है तो अगर आपकी रैंक पीछे है तो आप समझ जाइए जाइएगा बहुत तैयारी की जरूरत है डाउट सॉल्विंग होती है लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर्स का मैं तो कई बार बच्चों को प्लस में बोलती हूँ नॉक नॉक मैं आ गई हूँ मतलब इट फील्स लाइक कि टीचर तुम्हारे घर आए हैं तुमको पढ़ाने इतना जबरदस्त पर्सनल कनेक्शन होता है टेस्ट सीरीज डीपीपीज एंड क्वेश्चन बहुत अच्छी डिस्कस होती हैं यलगार हमारे 2024 एस्पिरेंट्स योग्य अपने ड्रॉपर्स एंड योद्धा हमारे ट्वेल्थ क्लास के बच्चे ठीक है एंड इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि दो तरह के सब्सक्रिप्शन है प्लस एन आइकॉनिक वैसे तो दोनों में बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट है एक चीज जो डिफर करती है वो ये है कि नोट्स आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे और दूसरी चीज जो डिफर करती है वो क्या है कि आपको एक पर्सनल uh, क्या कहते हैं अन अकेडमिक गार्जियन मिल सकता है मतलब एक ऐसा बंदा जो एनी टाइम आपको मदद करने के लिए अवेलेबल होगा आपको कुछ भी इफेक्ट बताएगा टीचर्स तो कॉमनली पढ़ाते हैं आइकॉनिक मतलब वाले बच्चों के घर जाके नहीं पढ़ाती उनको आइकॉनिक एंड प्लस की क्लासेस सबकी कॉमन होती है ठीक है तो ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड की आपको आइकॉनिक लेना चाहिए प्लस लेना चाहिए उड़ान कोर्ट से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल सकता है एंड बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना अगली क्लास में आज का काम है होमवर्क नोट्स बनाने इंडक्टिव के अगली क्लास का होमवर्क है बिफोर यू नेक्स्ट क्लास प्लीज गो थ्रू द द द ऑल नोट्स गो थ्रू स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपग्रेडेशन होगा पुराना माइनस नहीं होगा मेरे सारे क्वेश्चंस इस बेसिस पे होंगे कि आपको इंडक्टिव भी दिमाग में रख करके फिर सवाल हल करना पड़ेगा ठीक है बच्चों चलो बाय 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 सही बेटू बाय रोहित बाय फरीहा <laughs> हे भगवान अरहान कहां से पढ़ रहे हो नाइट्रोजन कांट है फोर बॉन्ड्स किसने बताया ये नाइट्रोजन अपने मतलब कुछ भी बोलते हैं यहां पे आके चैट बॉक्स में मतलब पता नहीं कहां से पढ़ के आ रहे हैं ब्लॉक के किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट अपनी कोवेलेंट को चार से ज्यादा नहीं कर सकता चार तो कर ही सकता है कैसे नहीं कर सकता है बिल्कुल कर सकता है। तो क्या वो चार बॉन्ड नहीं बनाता है तीन हाइड्रोजन से और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिल्कुल बना सकता है Who have told you कि can't make four bonds? बहुत बढ़िया रहा शाबाश जहां से भी तू पढ़ रहा है तो वहीं से पढ़ बाय बेटा बाय सई अब इसको मैं एक बार देखो एज अ टीचर ना मैं इसको ये समझा के ही भेजना चाहती हूँ कि क्या होता है NH4+ फोर प्लस है ना खाली स्लाइड लगा रही हूँ इसमें यहाँ लगा देते हैं ठीक है जस्ट अ सेकेंड हम्म ये होता है एनएच ठीक है ये होता है NH3 ये होता है इसका लोन पेयर अगर इसको आप H+ के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो H के के खुद के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो इसके को करके इसके लोन को यूज़ करके साथ बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाता है। net charge, net जाता है, it electron, electron तो है, और नाइट्रोजन के ऊपर नेट नेट चार्ज, चार्ज फॉर्मल पॉजिटिव हो क्योंकि ग्राउंड स्टेट बिल्कुल बना सकते है। ठीक है? चलो बाय बाय आधी अधूरी नॉलेज जो होती है ना बहुत घातक होती है प्लीज हाँ चलो बाय बेटा बाय 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 बेटा एवरीवन नहीं आ, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन तो क्लियर कर दिया अरहान जिंदगी में एक राय और दे रही हूं कि टीचर को जज करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट पास मत करना जिसमें तुम टीचर को जज करने बैठ जाओ ठीक है कंफ्यूजन पूछने एक तरीका होता है हाउ इज दिस पॉसिबल यू कांट से की गलत है है ना आप बच्चे हैं बच्चे बनकर रहेंगे सीखेंगे बहुत अच्छा लगेगा सबको हम्म, बाय बाय